पत्नी को शादी के कुछ साल बाद ख्याल आया कि अगर वो अपने पति को छोड़ के चली जाए तो पति कैसा महसूस करेगा। ये विचार उसने कागज पर लिखा। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं ऊब गई हूँ तुम्हारे साथ से, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। उस कागज को उसने टेबल पर रखा और जब पति के आने का टाइम हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेड के नीचे छुप गई। पति आया और उसने टेबल पर रखा कागज पढ़ा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने उस कागज पर कुछ लिखा। फिर वो खुशी की सिटी बजाने लगा, गीत गाने लगा, डांस करने लगा और कपड़े बदलने लगा। फिर उसने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और कहा, आज मैं मुक्त हो गया, शायद मेरी मूर्ख पत्नी को समझ आ गया, वो मेरे लायक ही नहीं थी, इसलिए आज वो घर से हमेशा के लिए चली गई, इसलिए अब मैं आजाद हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं आ रहा हूँ कपड़े बदल कर तुम्हारे पास, तुम तैयार हो कि मेरे घर के सामने वाले पार्क में, अभी आ जाओ। पति बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से कागज पर लिखी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से पैर दिख रहे हैं, बावली पार्क के पास वाली दुकान से ब्रेड लेके आ रहा हूँ, तब तब चाय बना लेना, मेरी जिंदगी में खुशियां तेरे आने से है, आधी तुझे सताने से है, आधी तुझे मनाने से है। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे फॉलो करें।